बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। टुडे आवर लेक्चर इज चैप्टर नंबर 3, वेट एंड मैस। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। आपने उनको स्टडी किया होगा, आई होप सो कि आपको उसकी समझ भी आ गई होगी। आज हमें देखना है कि मैस एंड वेट हमारे पास क्या है, मैस एंड वेट हमारे पास क्या है, ठीक है बेटा। बहुत सारे लोग हैं मैस और वेट को सिमिलर क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं, जबकि मैस एंड वेट जो है बेटा वो टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। जैसा बेटा हम इसकी मीनिंग्स को देखते हैं, मैस एंड वेट जो है बेटा इनकी मीनिंग्स क्या है। मैस का मतलब भी क्या होता है, वजन होना, और वेट का मतलब भी क्या होता है, वजन। बट बेटा जब इसको फिजिकली हम देखते हैं, फिजिक्स की इसकी लैंग्वेज में इसको देखते हैं, तो मैस और वेट क्या है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज है हमारे पास, ठीक है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। आप आज इसको समझ पाएंगे कि मैस और वेट सेम क्वांटिटीज नहीं है, बल्कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। इनके दरमियान क्या फर्क है बेटा, आज आप देखते हैं। जरा देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैस हमारे पास क्या होता है। मैस ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय द बॉडी। बेटा कोई भी बॉडी जो मैटर का की क्वांटिटी अपने पास रखता है, दैट इज कॉल्ड द मैस। मैस क्या है, कोई भी बॉडी है बेटा उसके अंदर जितना मैटर होता है, दैट इज कॉल्ड द मैस। सिंपल सी बात है बेटा कि हमारे पास मैस क्या है, किसी भी बॉडी का जो मैस है वो उसका उसकी उसके अंदर पाया जाने वाला मैटर है। मैटर क्या होता है आप जानते हैं, मादा। मादा उस बॉडी के अंदर जितना पाया जाता है, जितना होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड द मैस। मैस जो है हमारे पास, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने समझनी है, जो मैस है किसी भी बॉडी का, वो जहां भी आप चले जाएं, आप पोजीशन को चेंज भी कर लें, आप मूव भी कर रहे हो, कभी भी बॉडी का मैस जो है वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं हो रहा था कि बेटा आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो किसी बॉडी का मैस 1 kg है, आप सेकंड फ्लोर पे चले जाएं तो बॉडी का मैस कम हो जाए, या बेटा थर्ड फ्लोर पे चले जाएं बॉडी का मैस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता, बॉडी पोजीशन को चेंज करे और बॉडी का मैस चेंज कभी भी नहीं होता। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है, इसको याद रखना है, मैस डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। मैस कभी भी चेंज नहीं होता प्लेस को चेंज करने से, ठीक है। तो आपने देखा मैस क्या है, मैस किसी भी बॉडी का, बॉडी की वो क्वांटिटी है जो बेटा मैटर जो अपने अंदर वो उसके अंदर जो मैटर पाया जाता है, ठीक है। तो और आपने ये देखा कि मैस जो है किसी भी बॉडी का प्लेस के चेंज होने से कभी भी बॉडी का मैस चेंज नहीं होता। और बेटा आपने पहले भी पढ़ लिया था कि मैस हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 1 में भी देखा, चैप्टर नंबर 2 में भी देखा आपने कि मैस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि बेटा इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है बेटा, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं होती। तो हम इसलिए कह सकते हैं हमारे पास मैस क्या है, मैस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बेटा मैस को हम कैसे मेजर करते हैं, मैस इज मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस। डिफरेंट तरह के मेजर्स होते हैं बेटा, आपने देखा होगा डिफरेंट तरह की शॉप्स पे आप जाते हैं मैस को बेटा शुगर लेने के लिए, डिफरेंट तरह की चीजें लेने के लिए आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो डिफरेंट तरह के बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ जो बेटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट बैलेंस है वो हमारे पास क्या है, बीम बैलेंस है, ठीक है। तो आपने देखा मैस की डेफिनेशन, मैस कौन सी क्वांटिटी है, मैस को हम मेजर कैसे करते हैं, और मैस जो है वो किसी भी जगह के चेंज करने से मैस कभी भी चेंज नहीं होता। अब हम बेटा वेट को डिफाइन करेंगे, वेट की क्वांटिटी को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जो वेट है हमारे पास वो बेटा चेंज होता है कि नहीं होता प्लेस के चेंज करने से। तो बेटा इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, फिर आप इस चीज को समझ सकेंगे कि मैस और वेट का मतलब सेम हो जरूर है, लेकिन इनकी डेफिनेशन फिजिक्स के लिहाज से सेम नहीं है। वेट अलग क्वांटिटी है, मैस हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है दोनों आपस में। तो आपको पता लग जाएगा कि हम इसको सिमिलर क्वांटिटीज नहीं कह सकते, ठीक है। तो वेट हमारे पास क्या है बेटा, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, कोई भी बॉडी है बेटा वो कॉन्स्टेंट पोजिशन में पड़ा है तो वो मैस है। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल मूव कर रहा है, फ्रीली फॉल मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट को आप बेटा कहीं से थोड़ी सी कुछ बुलंदी पर लेकर चले जाए, और बुलंदी पर जाकर कुछ हाइट पर जाकर आप उसको नीचे गिरा देते हैं, जब आप उसको गिरा देते हैं बेटा उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है ड्यू टू द ग्रेविटी। आप जानते हैं ग्रेविटी होती है बेटा, ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को जमीन की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो उस बॉडी पर जो आप फ्री फॉल मूव करवा रहे होते हैं, जिसको आप छोड़ देते हैं वो फ्री फॉल मूव कर रहा है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अब उस मैस के अंदर एक फोर्स भी एड हो गई है,
ठीक है। अब उस मैस के अंदर जब फोर्स ऐड हुई है दैट इज द ग्रेविटी, तो अब वो मैस नहीं रहा, वो वेट बन गया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहां बताया भी है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल मूव कर रहा है उसके अंदर मैस तो है, जब उसके अंदर ग्रेविटी भी ऐड हो जाए, ग्रेविटी भी उसका मल्टीपल बन जाए, तो वो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी या ऑन इट। वेट किसी बॉडी की वो फोर्स है बेटा, किसी बॉडी में पाई जाने वाली फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, उसके अंदर पाई जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। वेट जो है वो वेरी, वेरी मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलता है। वेट का बदलना डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ जी बेटा, जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज कॉल्ड द ग्रेविटी, या इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में इसकी वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये एक्सेलरेशन ही होता है, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर देते हैं या ग्रेविटी की बात करते हैं, तो आपका जो सिंपल एक्सेलरेशन है वो बन जाता है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाता है, जिसकी जिसे हम कहते हैं जी, और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके, जी पे, जबकि आपने मैस देखा था, मैस किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता बेटा, प्लेस के चेंज करने से मैस चेंज नहीं हो रहा, तो मींस कि मैस डिपेंड नहीं कर रहा प्लेस पे, बट वेट जरूर डिपेंड कर रहा है। जब आप जगह को चेंज करते हो, आप हाइट पे जाते हो, आप बेटा पोजीशन को चेंज करोगे, तो उसके साथ साथ वेट भी चेंज होगा। ये इनके दरमियान फर्क है बेटा। वेट इज ए फोर्स, आपने देखा वेट क्या हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेटा एक्सेलरेशन ऐड हो गया है। बेटा कैसे पता लगा एक फोर्स है, आप इसको कंपेयर करें, आपने देखा फोर्स इज इक्वल टू एम ए बेटा, मैस के साथ अगर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो जरा इसको और से देखें, यहां पे मैस है हमारे पास और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बेशक वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन तो है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा वेट बन रहा है, तो दरअसल वो है क्या, वो फोर्स है। आप इनके यूनिट्स भी देख सकते हैं, मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो आपको पता लग गया कि यहां पर वेट क्या है हमारे पास, एक बेटा फोर्स है, नॉट ए मैस, वेट यहां पे क्या है, एक फोर्स है। तो आप कह सकते हैं, जब आप जानते हैं फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है वेट भी हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और बेटा सिंपल सी बात है, वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, ठीक है। ये इनके दरमियान डिफरेंस था, आप देख सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इनके दरमियान क्या फर्क है। आपने देखा वो प्लेस के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये जी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, प्लेस के चेंज करने से वेट चेंज होता है। ये मैस जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो फोर्स है। अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आप इसे ऐड कर सकते हैं, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, मैस और वेट में क्या फर्क है। आप देख सकते हैं, आपने इनके दरमियान मैंने चार चार डिफरेंसेस बता दिए हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इनके दरमियान डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, तो आपने उनकी डेफिनेशन से लेके सारा कुछ बताना है, और सिमिलर आपने वेट में भी वही चीजें बतानी है आपने। एक और बेटा एक 5 स्टेप है, मैं यहां लिख देता हूं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बेटा देखें मैस का यूनिट क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में मैस का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, आप जानते हैं मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, द यूनिट ऑफ मैस इज केजी किलोग्राम, और ये एक 5 स्टेप आप खुद से ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस है इनके दरमियान। और वेट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वेट, चूंकि आप जानते हैं वेट क्या है, एक फोर्स है, जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल मूव कर रहा होता है उस पर एक्ट होने वाली जो ग्रेविटी होती है वो उसके साथ मल्टीपल होकर क्या बना देती है उसको, उस वेट को एक फोर्स बना देती है, जिससे वो क्या करता है बेटा जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, जमीन के टूवर्ड्स मूव कर रहा होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वेट क्या है, हमारे पास एक फोर्स है। तो आप जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन, और न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। तो ये है हमारे पास 5 डिफरेंसेस हैं, जिनकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं मैस और वेट क्या है, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हमारा एंड होता है, आपने इसको देखना है अच्छे से, इसको रिवाइज करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह।